प्रदेश सरकार स्वच्छता को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन बरसत तहसील में सारे दावे विफल होते नजर आ रहे हैं। बरसत तहसील को बने 50 साल से भी अधिक का समय हो गया है। इस तहसील में लगभग 30 से 35 पंचायतों के लोग अपने काम करवाने के लिए रोजाना आते हैं, लेकिन बरसत तहसील में शौचालय की सुविधा न होने से लोगों को बड़ी परेशानी होती है। लोग तहसील कार्यालय के पिछवाड़े में खुले में शौच करने को मजबूर हैं। तहसील कार्यालय का काफी समय पहले एक शौचालय का निर्माण करवाया गया था, जिसकी हालत दयनीय है। शौचालय अब पूरी तरह से उखड़ चुका है, जिस कारण लोग खुले में शौच करते हैं, जिससे स्वच्छता अभियान को बरसर में ग्रहण लगता नजर आ रहा है। स्थानीय व्यापारी कुलदीप सिंह का कहना है कि इस तहसील को बने 50 साल से भी ऊपर हो गए हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक शौचालय का निर्माण नहीं करवाया गया है, जिस कारण लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं। मांग करना चाहते हैं कि ये तहसील जो है वो काफी पुरानी है, अप्रोक्सीमेटली 50 या 60 साल इस तहसील को बने हुए होंगे, और यहाँ पे हजारों लोग तादाद में आते हैं। अप्रोक्सीमेटली 35 या 40 पंचायतें हैं हमारी, जहाँ से हमारी औरतें, बहनें, भाई सब तहसील के काम के लिए आते हैं, और तहसील में शौचालय ना होने के कारण उन्हें इधर उधर जाना पड़ता है, जिससे लिए गंदगी फैलती है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि स्वच्छता अभियान हमारा जो है सर्वोपरि है, तो हम यही मांग करते हैं कि तहसील से अंदर गंदगी को मद्देनजर रखते हुए इसको जल्दी से जल्दी शौचालय का निर्माण करवाएं, जिससे लोगों को जो इधर उधर जाते हैं उससे गंदगी ना फैले और हमारी तहसील जो है एक स्वच्छ तहसील बने। स्थानीय निवासी पवन शर्मा का कहना है कि बरसत तहसील में शौचालय की कोई सुविधा नहीं है, जिस कारण लोग खुले में शौच करते हैं। सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ टॉयलेट बनाया जाए, लेडीज आती हैं, बूढ़े आते हैं, बुजुर्ग लोग आते हैं, टॉयलेट जाने वास्ते जंगल की ओर जाना पड़ता है। जब से तहसील खुली है टॉयलेट के कोई साधन नहीं है, ना इसके बारे में सरकार ने सोचा। हम SDM साहब भी का दफ्तर भी है यहाँ पे, तो लोगों का इसके लिए टॉयलेट की बहुत ही जरूरत है। हम सरकार से मांग करते हैं कि टॉयलेट बनाए जाए। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं स्वच्छ भारत का, तो यही इसका नतीजा तो ये निकल रहा है। इतनी बड़ी तहसील में एक टॉयलेट नहीं बनाया जा सकता है, तो इसलिए सरकार से मांग करते हैं टॉयलेट बनाया जाए। बरसर उपमंडला अधिकारी विशाल शर्मा का कहना है कि शौचालय का मामला मेरे ध्यान में है, इसका जल्द ही एस्टीमेट तैयार कर जिला उपायुक्त को भेज दिया जाएगा, ताकि लोगों को शौचालय की सुविधा मिल सके। इसका जो मेरे ध्यान में ये चीज है, और उसके बारे में हमने एक एस्टीमेट बना के माननीय उपायुक्त महोदय को प्रेषित कर दिया गया है। साथ में BDO साहब से भी ब्लॉक के उनसे हमने इसका निरीक्षण कराया कि इसके बारे में तब तक जो है तदर्थ रूप से या टेम्परेरी रूप से इसकी व्यवस्था कैसे की जा सकती है, ताकि लोगों को सदुपयोग का हो सके, उसके लिए कार्रवाई जारी है।